हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। पुकिरा! 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 फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जोंग जब फर्स्ट लव के मेमोरियल से वापस आ रहा था तो उसे रात को एक जगह बुकिल दिखाई दी थी जिसे वो अपने साथ ले गया। मतलब कि वो कैट जोंग का नहीं था। देखना होगा फिर ये कैट किसका था। जोंग अपनी कैट से बेहद प्यार करता है। जिस दिन बुकिल उसे मिली थी उस दिन से वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता आ रहा है। आज भी वही दिन है। कैट बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय करती है। वो खुश है कि उसे जोंग जैसा मालिक मिला है। उसके बाद फ्लैशबैक से हमें मालूम होता है कि आखिर क्या हुआ था जोंग के फर्स्ट लव के साथ। 10 साल पहले जब जोंग 17 साल का था तब जंगसू ने उसे आई लव यू कहा था। वो चाहती थी कि जोंग भी उसे आई लव यू कहे पर उस टाइम उसने नहीं कहा था। दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। बाद में जब एक दिन जोंग जंगसू का इंतजार कर रहा था तो काफी टाइम गुजरने के बावजूद वो नहीं आई उससे मिलने। जोंग ने उसे कॉल किया तो उसे पुलिस ऑफिसर से शॉकिंग बात पता चली कि जंगसू मर चुकी है, उसने सुसाइड कर ली है। ये खबर सुनने के बाद जोंग को सदमा लगा था क्योंकि वो भी जोंगसू से प्यार करता था। उसे आज तक पछतावा है कि उसने जोंगसू को जवाब क्यों नहीं दिया। जोंग सोचता है कि कहीं उसने दिल बर्दाश्त होकर सुसाइड तो नहीं की। मतलब कि जोंग खुद को दोष देता है उसकी मौत का। प्रेजेंट में जब जोंग घर से बाहर जा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि नावो को उसके नेबर से लड़ते हुए। दरअसल उस जालिम इंसान ने एक कैट को मार डाला है। जोंग आके उसे यकीन दिलाता है कि आइंदा से हम यहाँ आके कैट्स को खाना नहीं देंगे। नावो रोते हुए जोंग को गले लगाती है क्योंकि वो कैट से बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि इसी तरह मेरे हारो को भी इन जालिमों ने मार डाला होगा। दोनों जाके मरे हुए कैट को दफनाते हैं। जोंग को नावो से पता चलता है कि उसने हारू को 7 साल पहले खो दिया था। मतलब कि शायद जो कैट आज जोंग के पास है वो हारू हो सकती है। देखना होगा क्या ये गैस सही है या नहीं। बाद में दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। नावो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी कैट बुकिल से मिलाए। घर वापसी पे जोंग आके अपनी प्यारी बिल्ली से मिलता है। वो उसे कहती है दफा हो जाओ झूठे इंसान। तुमने कहा था जल्दी आओगे, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तुम पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगी। कैट को मनाने के बाद जोंग उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम कभी मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगी। बुकिल कहती है ठीक है। तभी बेल रिंग होता है। दरवाजा खुलने पे हम देखते हैं कि नावो आई हुई है वहाँ। बुकिल नावो को देख के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मेरे अलावा 7 सालों से कोई फीमेल यहाँ पे नहीं आई। जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। जोंग के काफ़ी समझाने के बावजूद भी बुकिल उससे नहीं मिलती। नावो को जोंग वापस भेज देता है। कुछ दिन बाद जब जोंग रात को घर वापस आता है तो उसे बुकिल की हालत सही नहीं लगती। जोंग फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नावो उसे फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाती है। डॉक्टर कहता है कि इसे सर्दी लगी है। दोनों फिक्रमंद हो जाते हैं। मेडिसिन खाने के बाद नेक्स्ट डे बुकिल की हालत कुछ बेहतर हो जाती है। नावो एक बार फिर से जोंग को रिक्वेस्ट करती है कि तुम बुकिल की मुझे केयर करने दो। पर जोंग ऐसा नहीं चाहता, वो बुकिल से जुदा नहीं हो सकता। उसके बाद एक मॉर्निंग दरवाज़ा ओपन होने की वजह से बुकिल घर से चली जाती है। जोंग को जब एहसास होता है कि बुकिल घर पे नहीं है, खो गई है, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो निकल पड़ता है उसे तलाश करने। नावो भी उसकी हेल्प करती है। तलाश करते करते जोंग का हाथ एक्सीडेंटली इंजर्ड हो जाता है। वो वेबटून आर्टिस्ट है। हाथ जख्मी होने से वो शायद वक्त पे वेबटून ड्रॉ ना कर पाए। पर उसे अपने हाथ से ज़्यादा बुकिल की फिक्र है। तलाश करते करते रात हो जाती है। जोंग को आखिरकार एक जगह बुकिल मिल जाती है। उसकी टेंशन ख़त्म होती है। पर एक टेंशन और है। दरअसल उसे अब हाथ में दर्द फील हो रहा है। मतलब कि अब उसे मुश्किल होगी वेबटून कंप्लीट करने में।
जोंग हिम्मत नहीं हारता, वो लग जाता है वेबटून ड्रॉ करने में। उसे दर्द तो हो रहा है लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसे अपना टैलेंट प्रूव करना है क्योंकि पहले उसका वेबटून उसके बेस्ट फ्रेंड ने चोरी करके अपने नाम से पब्लिश की थी, उसे धोखा दिया था। वो भूखिल से कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। बिली उसे कहती है, अच्छा फिर पड़े क्यों हो बेड में सुस्त इंसान, जल्दी से उठो और अपने वेबटून कंप्लीट करके अपने धोखेबाज फ्रेंड को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तभी जोंग को आइडिया आता है, वो अपने फ्रेंड को रेस्टोरेंट बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प करे वेबटून ड्रॉ करने में। उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करता है पर टाइम कम है, उसे जल्दी से वेबटून सबमिट करवाना है। उसका करियर इस वेबटून पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेबटून सक्सेस होने के बाद ही वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। देखना होगा क्या जोंग वक्त पे वेबटून ड्रॉ कर पाएगा या नहीं। इसके बाद होता कुछ यूं है कि एक दिन नावो जोंग के घर आके उसे कहती है कि भूकल उसकी हारू है जो 7 साल पहले खो गई थी। नावो को ये कैसे मालूम हुआ और क्या जोंग अपनी प्यारी बिली उसके हवाले कर देगा, ये सब हमें इस ड्रामे के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। सो काइंडली लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।